हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द आईबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने फिर से सोशल साइंस का पार्ट टू वीडियो लाया है, जिसमें 51 से लेके 99 तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, 51 से लेके 99 तक के क्वेश्चन, और पार्ट वन का जो वीडियो है उसमें 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के नाम से मिलेगा। प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें आपको सारे वीडियो जितने भी मैंने अभी क्लास 6 और 9 के लिए बनाया है उसकी वीडियो की पूरी लिंक उसमें मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक दिया होगा वो आप खोल लोगे और वो आपके काम का होगा। ठीक, और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर इसका वीडियो शुरू करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिटन द नोवल अ आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद चटर्जी ने। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 52 का द फेमस कैरेक्टर ऑफ रामचरित मानस वॉज रावण। ही वॉज द नेटिव ऑफ, वो कहाँ कहाँ का पड़ोसी था? ही वॉज द नेटिव ऑफ डी श्रीलंका, वो श्रीलंका से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से है। ठीक, 53, हु वॉज द वाइफ ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला। उर्मिला इज जो है वो लक्ष्मण की वाइफ का नाम था। सीता राम के वाइफ का नाम था, और कौशल्या राम की माता जी थी, और मांडवी शायद भरत की वाइफ का नाम था। ठीक है, एक मांडवी पे मैं कंफ्यूज हूँ, बाकी तो क्लियर है। 54 देखते हैं, पोल स्टार इज सीन इन द स्काई इन। पोल स्टार कहाँ सीन करता है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार सीन करता है, इसको हिंदी में लोग ध्रुव तारा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, द लूनर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व ऑन ए फुल मून। पूर्णमासी के दिन लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा जो चंद्र ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णमासी को, और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को, नो मून डे। ठीक, जिसमें मून दिखाई नहीं देता है। 56 पे आते हैं, द सोलर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व ऑन। सोलर इक्लिप्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या को। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। हाउ मेनी डेवलप्ड कंट्री हैव ओपन थ्री देयर ऑफिस ऑन द सरफेस ऑफ मून। कितने ऐसे डेवलप कंट्री जिन्होंने अपनी ऑफिस मून पे खोल के रखे हैं? 57, ऑप्शन नंबर ए, 0। कोई अभी मून पे कुछ डेवलप नहीं किया है, सब खाली पहुंच के अपना झंडा गाड़े हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 58, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड एट। 58, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59, व्हाट इज द कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट क्या है? 59, डी यानी मिल्क। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, मिल्क को कंप्लीट डाइट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 60, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द एवरेस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा? सब ऐसी वुमेन जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, तो अपने इंडिया की बछेंद्री पाल को, जो माउंट एवरेस्ट सबसे पहली बार चढ़ी थी। 61, द फर्स्ट लेडी स्पेस ट्रेवल इन इंडिया वॉज, ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पीटी उषा रनर अप हैं, रनिंग एथलीट थी जो भारत के लिए गोल्ड लेके आई थी। व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रांग वॉक ऑन द मून? इन 1969, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 63 की तरफ, द सॉफ्ट
द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम, जो पश्मीना वूल है जो सबसे सॉफ्टेस्ट वूल माना जाता है वो किससे किससे कलेक्ट किया जाता है, तो वो शिप से कलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। द अर्थक्विक इन द ईयर 2000 वॉज फेल्ट इन, जो 2001 में अर्थक्विक आया था वो कहाँ पे आया था, कच्छ, ऑप्शन नंबर ए कच्छ। कच्छ ये गुजरात का एक भाग है, कच्छ का रेगिस्तान है, इसको माना जाता था पहले ये एक समुद्र हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं 65, माउंटेन ऑफ मोमेंट ऑफ कलबिलिया डांस इज सिमिलर टू डांस ऑफ, जो ये डांस है कलबिलिया ये किसकी तरह के सिमिलर डांस है, ये 65 का आंसर नंबर डी, स्नेक की तरह ये डांस होता है, ठीक है, नागिन डांस भी हम लोग कह सकते हैं, कालबिलिया कालबिलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज डांडी यात्रा बिटवीन टू सिटी, दे आर 66, ऑप्शन नंबर डी डांडी टू अहमदाबाद, डांडी टू अहमदाबाद इन्होंने अपनी यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ, when did गांधी जी स्टार्टेड डांडी यात्रा, गांधी जी ने अपनी डांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी, तो ऑप्शन नंबर सी 1930, याद रखिएगा आप लोग, सबका एक नोट्स बना लीजिए आपके लिए बहुत काम आएगा। 68, डांडी यात्रा वॉज रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, नमक के लिए ये यात्रा की गई थी। 69, कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने क्या किया था, कोलंबस 69 सर्च्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, डिस्कवर नहीं, इन्वेंटेड नहीं, प्रिसाइज नहीं, ठीक, सर्च किया था कोलंबस ने। आगे बढ़ते हैं, युआन इज द करेंसी ऑफ, ए चाइना, युआन की करेंसी चाइना है, युआन जो है चाइना की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं 71 की तरफ, सांची स्तूप इज लोकेटेड एट, सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। 72, मुगल गार्डन इज सिचुएटेड एट, 72 सी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं 73, सुंदरबन इज सिचुएटेड एट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नॉन वायलेंट डे इज सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल नॉन वायलेंट डे कब मनाया जाता है, 74 ए 30 जनवरी को। इंटरनेशनल ओजोन डे ये कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, आपको डेट भी याद रखना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है डेट से, डेट के भी क्वेश्चन, हम तो आपको एक्सपेक्ट सारे क्वेश्चन दे ही रहे हैं, ठीक है। 76, द सन टेम्पल इज इन द स्टेट, सन टेटेड उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 77, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी के थे और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ, ऑन विच सिटी ऑफ जापान द फर्स्ट एटम बम वॉज ड्रॉप्ड इज एट, हिरोशिमा, हिरोशिमा पे सबसे पहले बम को गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं 80 की तरफ, टेल द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया कैपिटल का नाम न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मत लगाइएगा, न्यू दिल्ली है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, या इस क्वेश्चन के हिसाब से 7 है, पर अभी अगर करंट में क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे 9 उत्तर देंगे, यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी आपकी बढ़ गई, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख,
ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वो एज अ दिल्ली काम करेगा। दिल्ली दिल्ली कहने का सेंस मेरा है, दिल्ली के में मुख्यमंत्री भी हैं और उपराज्यपाल भी हैं, ठीक है, इसी तरह। और बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री और राज्यपाल काम नहीं करते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैज़, इंडिया में कितने स्टेट थे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 82 का सी 29, पर अभी 28 हैं, एक स्टेट जो जम्मू कश्मीर था वो अब हट चुका है। 83 में बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिकॉग्नाइजिंग लैंग्वेज आर इन इंडिया, इंडिया में कितने लैंग्वेज हैं, तो ऑप्शन सी 22, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज। हाउ मेनी कलर आवर इंडियन फ्लैग हैज़, हमारे इंडियन फ्लैग में कितने कलर हैं, तो 84 का सी 3 कलर हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सेफ्रॉन इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में सेफ्रॉन जो है उसका क्या मतलब है, 85 का बी करेज एंड सेक्रीफाइस, वो साहस और सेक्रीफाइस को बताता है। 86 पे चलते हैं। 86 व्हाट डज सिग्निफाई ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो क्या बताता है, वो प्रॉस्पेरिटी एंड फेस्टिलिटी को बताता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ। व्हाट डज सिग्नली वाइट कलर इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में वाइट कलर क्या करता है, क्या क्या शो करता है, 87 का ए पीस को दिखाता है। 88 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारे नेशनल फ्लैग में कलर है वो किस चक्र है वो किस कलर का है, तो 88 का सी ब्लू कलर का है। हाउ मेनी स्पेड आर इन चक्रा ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने तिल्लियाँ हैं, वो सीख चक्र में कितने सीख हैं, स्पोक्स हैं, तो वो 24 हैं। ये भारत को 24 घंटे तरक्की की दिशा को शो करता है। आगे बढ़ते हैं 90 की तरफ। बाय होम आवर नेशनल एंथम वॉज रिटेन, हमारा नेशनल एंथम किसने किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर के आनंद मत से हमारा नेशनल एंथम लिया गया है। आइए 91 पे चलते हैं। 91 फ्रॉम वेयर आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन, तो नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी फ्रॉम अशोक पिलर ऑफ सारनाथ। व्हेन द नेशनल एम्बलम वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम कब एडॉप्ट किया गया था, तो 92 का सी 26 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे बढ़ते हैं 93 की तरफ। बाय होम आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटेन, वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसने किसने लिखा था, तो ऑप्शन डी बंकिम चंद चटर्जी, 93 का डी। आगे बढ़ा जाए 94 की तरफ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इंडो सिविलाइजेशन जो था उसका पीरियड क्या था, 94 का बी 3000 to 1500 BC, 3000 से लेके 1500 BC तक। 95 पे आते हैं। व्हेन गौतम बुद्ध वाज बॉर्न, 95 का सी 563 BC। 96 वेयर महावीर स्वामी वाज, व्हेन महावीर स्वामी वाज बॉर्न, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी 540 ईसा पूर्व या BC। आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ। विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया, तो राजस्थान ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज़ द स्मॉलर स्टेट इन एरिया, जो कौन सा स्टेट है जिसकी एरिया सबसे स्मॉलेस्ट है, 98 का ए गोवा, गोवा की एरिया बहुत छोटी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 99, वेयर इज़ द रेड फोर्ट सिचुएटेड, रेड फोर्ट कहाँ पे है, तो रेड फोर्ट ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है, ठीक है, पुरानी दिल्ली में रेड फोर्ट सिचुएटेड है। दोस्तों ये हमारे आज के पार्ट टू का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और इस जितने क्वेश्चन हैं आप इसको पहले तो नोट कर लो और एक बार रिवाइज करते रहना, या तो हमारे वीडियो से देखते रहना। और जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक मिलेगा वो हमारे प्लेलिस्ट का है, जिसमें BHU CHS के इस बार के लिए जो इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसका हम लोगों ने कलेक्शन बना के रखा है। तो आप उसको देखो, उसमें से जो आपके काम का है वो आप सेलेक्ट करो, और आपको जो पसंद आता है उसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है या हमारे बताने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं और हमको बता भी सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, हम लोग जल्दी आपको पार्ट 3 भी देंगे। थैंक यू दोस्तों।